आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चटपटा करेला बिल्कुल नए अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए कढ़ाई मैंने ली है, इसमें सरसों का तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, और इस तरीके से करेले आप काट लीजिए। देखिए तेल गरम हो गया है, करेले मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से करेले मैंने तेल में डाले हैं। तेल जब गरम हो जाए तभी आप डालें। ये देखिए इस तरीके से अब आप चला लें, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, एकदम फ्रेश करेले हैं। इसमें अब हम नमक डाल देंगे। करेले बहुत ही हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए तो सबको खाने चाहिए, इसलिए ये चटपटे हैं तो आप सब खा सकते हैं इसको। ये देखिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इस सूखे मसाले में डाल रही हूँ उसमें। ये देखिए धनिया पाउडर एक और बार, एक और चम्मच डाला है मैंने। तो करेलों को जितना आप स्वादिष्ट बनाएंगे उतना खाने में मजा आएगा आपको। ये देखिए थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, और इसको अच्छे से चला लिया मैंने। देखिए अब गैस कम करके मैंने इसको ढक दिया है। देखिए 5 मिनट बाद मैंने फिर इसको थोड़ा तेज गैस करके चला लिया। देखिए इस तरीके से थोड़ा भून लीजिए इसको 2 मिनट, और फिर इसको आप देखिए गैस कम कर दीजिए आप, और इसको फिर आप ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। चलिए अब हम दूसरे पैन में, आप देखिए ये मैं बेसन ले रही हूँ और इसको मैं भूनने के लिए डाल रही हूँ पैन में। देखिए इस तरीके से बेसन भून लीजिए, और ये बेसन जब डलेगा करेले में तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा करेले में, और स्वाद उसका दोगुना बढ़ जाएगा। ये देखिए और बहुत ही टेस्टी ये करेले बनते हैं चटपटे, आप जरूर ट्राई करें। ये देखिए बेसन भून गया है ऑलमोस्ट, गैस कम थी। ये देखिए अब मैंने ये चला लिए करेले दोबारा से, और इसमें मैंने ये बेसन जो भुना था ये मैं डाल दूँ इसमें, और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए भुन गए हैं करेले, बेसन भी डल चुका है। अब लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना देगा आपके करेलों को एकदम मजेदार, टेस्टी, और हर चीज के साथ आप इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, बहुत ही लाजवाब करेले हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।